भाई मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल लिटरली यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस मैटर पे भी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। बनाना तो भाई पड़ेगा, अब जब इतना कुछ हो रहा है और ऐसे ऐसी चीजें है ना भाई, मेरे को लगा कि मुझे तो बनाना ही चाहिए इस पे वीडियो। यार पता है क्या है, मुझे ना पर्सनली अभिनव अरोड़ा पे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही कर रहा है, ये या इसके पेरेंट्स या जो भी इसके कहते हैं किसी पापा करवाते हैं इससे ये सब। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनली एक्चुअली ही इज डूइंग अ वेरी करेक्ट थिंग, वो बहुत अच्छा चीज कर रहा है। देखिए क्यों, मैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर अभिनव अरोड़ा इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल चाइल्ड होता, वो स्कूल जाता, होमवर्क करता, अपने मम्मी पापा की बातें सुनता, सब काम ठीक से करता, एज ए नॉर्मल चाइल्ड जो करते हैं, तो क्या होता यार उसके साथ। वो स्कूल जाता, स्कूल में अपने टीचरों की मार खाता, अपने दोस्तों की गालियां सुनता, अपने जो है पेरेंट्स से भी मार खाता कि भाई पढ़ाई करो 90% पाओ, 98% पाओ, 99% पाओ। और अगर गलती से उसने साइंस ले लिया होता तो भाई उसके 2 साल 11th 12th IIT की तैयारी या किसी नीट की तैयारी में, अब आपको तो पता ही है कोटा फैक्ट्री आपने देखी होगी, और रिसेंटली जो नीट के पेपर लीक हुए हैं वो भी आपने देखा ही होगा। तो अब अगर वो अच्छी तैयारी करता तो भी क्या होता, एग्जाम देने जाता, पता चलता भाई पेपर लीक हो जा रहा है। अब पेपर लीक नहीं भी हो रहा है तो भी एग्जाम इतना टफ है कि कोई चांस होते नहीं उसके सक्सेस होने के। और अगर वो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कहीं से कर भी लेता, इमेजिन करो कि एक ठीक ठाक कॉलेज से वो इंजीनियरिंग या मेडिकल कर भी लेता तो क्या होता। जॉब्स की हमारे देश में क्या कंडीशन चल रही है ये तो आप सबको पता ही है ना दोस्तों। तो अभी वो जिस लाइन में है वहां पे तो सक्सेस 100% गारंटीड है, और मैं इसमें बिल्कुल 100% शेयर देना चाहता हूं उसके पापा को कि भाई उन्होंने एक ऐसी फील्ड चुनी जिसमें सबसे पहली चीज, नौकरी को एक बार छोड़ भी दी जाए, एक बार चीजों को हम पीछे रख भी दिया जाए, तो भाई इज्जत गुरु, क्या इज्जत है, एक ऐसी इज्जत कि लोग आपके पांव छू रहे हैं। अगर आप पढ़ जाओ, लिख जाओ, नौकरी करो तो क्या होता है, बॉस की गालियां खानी है, काम भले ही आप कितने भी दिन करो फिर एक कोई आदमी आ जाएगा जो आपको बोलेगा कि हफ्ते में 140 घंटे काम करो, कोई 80 घंटे काम करो, सब अपना अपना ज्ञान देने के लिए रेडी है। पर यहां पर तो आपको ज्ञान देना है ना, आपको सिखाना है लोगों को कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, मोह माया भंग करो, भले ही अपने लिए कितनी भी चीजें लेकर के चलो, ये सब हमको पता है, हमने देखा है। तो क्यों ना डायरेक्ट हम एक ऐसे प्रोफेशन पे चले जाएं जहां पर आपको सब कुछ पहले से रेडी है। अरे काहे का ये दुनिया में एग्जाम देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बॉस की गालियां खाना, टीचर की गालियां खाना, होमवर्क करना, सब खत्म करो, डायरेक्ट वो करो जो लोगों को अच्छा भी लगता है, जिससे इज्जत भी मिल रही है, पैसा तो है ही गुरु, और उसके बाद कोई एक बिग बॉस जैसा शो में एंट्री भी आपको मिल जाती है, और या तो फिर आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो जाती है। सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े पॉलिटिशियन नेताओं के साथ भी आप काम करते हो, इलेक्शन के टाइम में भी आपको अच्छा खासा रुतबा मिल जाता है, स्टेज शेयरिंग मिली जाती है, तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही अच्छा चीज कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और आई थिंक उसे ये चीज करते रहना चाहिए। आप लोग पढ़ाई करो, एग्जाम्स निकालो, क्वालिफाई करो, बाद में बॉस की गालियां खाओ, बाद में आपको जो करना है आप लोग करो, ठीक है, वो आपकी इच्छा, लेकिन आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और रही बात उनके पेरेंट्स के बारे में भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स अलग अलग चीजें बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया, ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई इतने अच्छे पेरेंट्स कहाँ मिलेंगे जो आपको स्कूल जाने के लिए ना बोले, जो आपको होमवर्क करने ही ना बोले, आपको सीधे एक ऐसी राह दिखा दें, एक ऐसी चीज दिखा दें जहां पर आपकी इज्जत वैसे ही है, शुरू से ही है, और आगे आने वाले टाइम में ना आपका पास इज्जत की कमी होने वाली है, ना आपके पास पैसे की कमी होने वाली है। तो मेरे हिसाब से उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे पेरेंट्स है, वन ऑफ द बेस्ट पेरेंट्स। देखिए लाइफ में ना हमेशा हमें एंड रिजल्ट सोचना चाहिए, पढ़ लिख करके आप क्या करोगे आपको मैंने बता दिया। या आजकल तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि पकौड़ा बेचना रोजगार है कि नहीं है,
रोजगार है कि नहीं है। थोड़ा भी शायद हो सकता है पढ़ने लिखने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद आपको पकौड़ा ही बेचना पड़ जाए। तो अगर पूरा माहौल देखा जाए तो पकौड़े बेचने से तो आई थिंक बेटर है कि ये काम किया जाए। अब ये बात आती है कि उसकी ट्रोलिंग क्यों हुई और ये अभिनव अरोरा पकड़ा कैसे गया। यू नो लिटरली वो पकड़ा गया है, ये बात तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन वो पकड़ा गया कैसे, इस पे जब मैंने सोचने की कोशिश की ना तो मुझे इसका बहुत ही सिंपल आंसर मिला। वो बता क्या है भाई, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम कौन से स्कूल में जाते हो, ठीक है। अगर वो उसका एक सीधा आंसर दे दिया होता कि मैं इस सरस्वती शिशु मंदिर या जो भी डीएवी या डीपीएस इधर उधर जाता हूं, तो यू नो बात खत्म हो गई होती। उसने उसका सीधा आंसर दिया नहीं, उसने कहा मैं उस विद्यालय में जाता हूं जिस विद्यालय में अर्जुन पढ़ा करते, बस यहीं पर वो फंस गया। एक होती है कि आप ठीक है यू नो आप कुछ कर रहे हो, बट आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें साफ दिख रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप उसका सीधा आंसर दिए होते, बात खत्म थी, लेकिन आपने उसको बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं विद्यालय में जाता हूं। आई थिंक अभिनव अरोरा अगर इस चीज पे काम कर लेना कि सीधी बातों का सीधा जवाब देने लग जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे तरफ से एक फीडबैक है उसके लिए, आप इस पे काम करो, आपकी सक्सेस गारंटीड है। देखो भाइयों, अभी का जो हमारे देश की कंडीशन है ना, उसमें तो ना तो स्पोर्ट्समैन की कोई इज्जत ज्यादा कुछ बची है, हमने देखा है रिसेंटली, ना तो उसमें कोई बहुत अच्छा टेक्निकली साउंड एजुकेशन की कोई भी वैल्यू है। पकौड़ा बेचो, चाय की टपरी लगा लो, कुछ भी करो, बस ऐसा करो कि फेमस हो जाओ। और आजकल तो मेरा ये मानना है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है, खास करके बिग बॉस जैसे शोज में तो बिल्कुल मतलब आ गए। आपके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, कोई ऐसी एफआईआर होनी चाहिए जिसके लिए कम से कम 10 से 12 साल की सजा होनी चाहिए। अगर ऐसी एफआईआर है तो बिग बॉस आपको बुला लेगा, बिग बॉस पे 100% आपकी एंट्री गारंटेड है। तो मेरा यह मानना है कि जो अभी इंडिया की जो सिचुएशन चल रही है, जो हमारे देश की जो कंडीशन चल रही है ना, उसमें आने वाले टाइम पे अभिनव अरोरा और ये पकौड़ा वाली मैडम एंड यू नो टपरी वाले, चाय की टपरी वाले अंकल, ऐसे बहुत पब्लिक आने वाली है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, मुझे लगता है इंडियन सोसाइटी को ये रेडी रहना चाहिए। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को ना एक थोड़े सीरियस नोट पे खत्म करते हैं। मुझे बस एक चीज है, देखिए अभिनव अरोरा से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो उसके कोई पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, मुझे बस एक चीज पे थोड़ा सा ना डाउट होता है, शक होता है। देखो मैं आज 38 इयर्स का हूं, जब अभिनव अरोरा आज से 38 ईयर जब उसकी एज हो जाएगी, 38-40 इयर्स हो जाएगी, जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, उसके अंदर एक चेतना आ जाएगी, जब वो सही गलत को समझने लगेगा, तब उसको रियली में पता चलेगा जब कि उसके साथ क्या हुआ है और उसके पेरेंट्स ने उसके साथ क्या किया है, तब मुझे लगता है कि बहुत बहुत पेनफुल और बहुत हर्टिंग होगा उसके लिए। और आई थिंक तब शायद ट्रोलिंग भी बंद हो चुकी होगी, शायद हो सकता है उसका नाम भी इंटरनेट में होगा या नहीं होगा वो भगवान जानता है, लेकिन उस समय वो उसे शायद जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। आई थिंक ये एक पॉइंट है, अगर ये वीडियो फ्यूचर में उसके तक पहुंचे तो हो सकता है वो भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहा होगा, तब शायद उसे कोई जवाब देने वाला हमारे जैसे यूट्यूबर्स होंगे, हम शायद उस समय दुनिया में होंगे कि भी नहीं होंगे हमें नहीं पता, बट ये एक सवाल है जो आज नहीं तो कल उसके सामने जरूर आएगा। इस चीज के लिए मैं उसे गुड लक ही बस कह सकता हूं। तो दोस्तों ये था मेरा कुछ एनालिसिस, हो सकता है आपको पसंद आया हो, तो लाइक का बटन जरूर दबा देना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पॉजिटिव बात यह है कि आप समझ नहीं रहे हैं, वरना समझने पर बहुत तकलीफ होगी। और हां चुप रहना याद रखिएगा।